ब्राजील में भयंकर बवाल मच गया है। ब्राजील की संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर बड़ा हमला हुआ है। ये घटना इतनी बड़ी थी कि दुनिया भर के बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बयान दिया है। दरअसल हाल ही में ब्राजील में सत्ता परिवर्तन हुआ था। चुनावों में जायर बोल्सोनारो की हार हुई थी और वामपंथी नेता लूला डा सिल्वा नए राष्ट्रपति बने थे। बोल्सोनारो के हजारों समर्थकों ने राजधानी ब्रासिलिया में संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने इन भवनों की खिड़कियां तोड़ दी। ब्राजील के एक मंत्री ने तो यहां तक दावा कर दिया कि दंगाई अपने साथ हथियार लेकर आए थे। ब्राजील पुलिस ने दावा किया है कि उसने 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ब्राजील में बीते साल अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनावों में मिली हार को बोल्सोनारो ने मानने से इनकार कर दिया था। कुछ ही दिन पहले ब्राजील के नए राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। बोल्सोनारो ने नाराजगी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा भी नहीं लिया और उन्होंने देश ही छोड़ दिया। बोल्सोनारो फिलहाल अमेरिका में हैं। आपको बता दें कि ब्राजील के नए राष्ट्रपति को 50.9% वोट मिले थे और वो तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। लूला डा सिल्वा 2003 से लेकर 2006 तक और उसके बाद 2007 से 2010 के बीच भी ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस बार जब लूला डा सिल्वा ने चुनाव जीते तो बोल्सोनारो के समर्थकों ने कहा कि चुनावों में गड़बड़ी हुई है। तभी से ब्राजील में बवाल मचा हुआ है। ब्राजील के हालातों को देखते हुए दुनिया भर के कई नेता इस पर बयान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने इस पूरी घटना पर बयान देते हुए कहा है कि ब्राजीलिया में राष्ट्र की संस्थाओं में दंगा और तोड़फोड़ की खबरों से मैं चिंतित हूं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और हम ब्राजील की सरकार को पूरा समर्थन देते हैं। ब्राजील भारत का एक मित्र देश है। ब्राजील ब्रिक्स समूह का भी हिस्सा है। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, भारत, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ब्राजील में हुए हिंसक प्रदर्शनों की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी ब्राजील में हुई हिंसक झड़पों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ब्राजील के लोगों और यहां की संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा कि ब्राजील सहित किसी भी लोकतंत्र में लोगों की लोकतांत्रिक पसंद का सम्मान करना ही चाहिए।